हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज का जो टॉपिक रहने वाला है टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व देखेंगे। और इसके पहले जितने भी मैंने क्लासेस करवाई हैं, लगभग 14 से 15 क्लासेस मैंने करवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप जाकर वहाँ से अपनी सारी क्लास कंप्लीट कर लीजिए। आप सभी जानते हैं ये TRE 4.0 के लिए क्लास चल रही है, ठीक है ना। BPSC TRE 4.0 जो कि पेपर अगस्त में होने वाला था, अब अगस्त में नहीं होगा। और जो TRE 3 था उसका जो रिज़ल्ट है ये आपका भी सितंबर लास्ट में देखने को मिलेगा। तो जब रिज़ल्ट हुआ आ जाएगा उसके बाद ही ये 4 वाला आएगा, ठीक है ना। तो अभी टाइम आपके पास काफ़ी अच्छा है, आप तैयारी करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। टाइगर रिजर्व में बात करूँ सबसे पहले तो नागार्जुन सागर श्री सैलम, ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। अचान कमार इंद्रावती उदंती साता नदी और गुरु घासीदास, ये आपका सभी के सभी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक साथ रखे हुए हैं ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम जल्दी से रिविज़न कर सकें, ठीक है ना। तो एक ही साथ में सारे के सारे मैंने रखे हुए हैं। पलामू ये आपका कहाँ पर है, ये आपका झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ संजय दुबरी और पेच, ये आपका मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। फिर आपका आता है बोर मेलघाट नवे गांव और नागजीरा, बोर मेलघाट नवे गांव और नागजीरा ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व, ये आपके कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पेंच भी महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में भी पेंच नाम से है तो महाराष्ट्र में भी है। पेंच सहाद्री तडोबा और अंधारी ये आपके महाराष्ट्र में है, तो ये सारे महाराष्ट्र से आप याद रखेंगे। फिर आपका है सतकोसिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये आपका उड़ीसा में है। भितरकनिका के बारे में आपने सुना है, वो भी आपका उड़ीसा में है। सबसे बड़ा खारे पानी का झील वो भी आपका उड़ीसा में है। तो सतकोसिया और सिमलीपाल ये आपका टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। मुकुंद्रा हिल्स और रामगढ़ बिसधारी हिल्स ये सभी आपके राजस्थान में हैं, ठीक है ना। अमराबाद और कवाल तेलंगाना में है। अमराबाद कवाल ये टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। भद्रा बेलीगिरी रंगनाथ डंडेली अंसी और नागर होल ये सभी के सभी टाइगर रिजर्व आपके कर्नाटक में हैं। परन्वीकुलन और पेरियार, ठीक है ना, परम्बिकुलन और पेरियार ये केरल में है, ठीक है। कलाकड़ मुंडा थुरई, ठीक है, और मुदुमलाई सत्यमंगलम मेघामलाई और अन्नामलाई, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, तो ये सारे के सारे आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। फिर आपका है कमलांग नामदफा और पक्के, कमलांग नामदफा और पक्के ये टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। नामेरी ओरंग और मानस ये असम का है और डम्फा ये आपका मिजोरम का है। तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो कि आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने 5 अक्टूबर 2021 को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव में मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ओके। फिर यहाँ पे बात करें भारतीय वनस्पति का सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये वन लाइनर है, ये कोलकाता में है। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य पूछा है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। सबसे ज़्यादा वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्य, अच्छा सॉरी, ये भारतीय वनस्पति का सर्वेक्षण मुख्यालय ये आपका कोलकाता में। बांधवगढ़ टाइगर राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, जो बांधवगढ़ है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा ये 1977 में दिया गया था और ये है कहाँ पर, तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है, ठीक है ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर और एलियंट रिजर्व भी है, तो इनको इसके लिए जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। जिम कार्बेट से जो है रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इसको रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है।
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश यानी आपका कहाँ पर है, नागार्जुन सागर, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीग्राम में महामृग पाए जाते हैं, दाचीग्राम में, ठीक है ना। दाचीग्राम है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, 1916 ईस्वी में की गई थी, और कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। तो ये सारी चीज़ें थी, आप ध्यान में रखेंगे। कैसे लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस क्लास को पहुँचाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।